India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति के खिलाफ भरण पोषण के लिए याचिका दायर करने का अधिकार है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देने के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 आम कानून पर हावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते मिले की हकदार है। इस वजह से वो गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। वो इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने अलग अलग फैसला सुनाया, लेकिन दोनों की राय समान है। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 दरअसल सेकुलर लॉ को दरकिनार नहीं कर सकता। कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है, या मिलता है तो भी इद्दत की अवधि तक। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है। इसके अनुसार अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि करीब 3 महीने तक रहती है। ये अवधि पूरी होने के बाद तलाकशुदा महिला दूसरी शादी कर सकती है। हालांकि अप्रैल 2022 में एक मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं और ये भत्ता तब तक मिलता रहेगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। इसी तरह इसी साल जनवरी में एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर दोबारा शादी भी कर लेती है तो भी वो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, माँ बाप या बच्चे गुजारे भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट।
और उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा अपनी सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद मामले दर्ज करने को लेकर केंद्र के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य का मुकदमा सुनवाई योग्य है। केंद्र द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य की शिकायत में कार्रवाई के लिए कारण का खुलासा किया गया। पीठ ने केंद्र द्वारा दी गई इस दलील को भी खारिज कर दिया कि राज्य ने शिकायत में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई योग्यता निर्धारित करने के लिए केवल शिकायत में दिए गए कथनों को ही देखा जा सकता है। राज्य का मामला यह है कि 2018 में सीबीआई के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के बाद एजेंसी राज्य के भीतर अपराधों के संबंध में एफआईआर दर्ज करना जारी नहीं रख सकती थी। राज्य ने ये भी तर्क दिया कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है। खंडपीठ ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मुकदमा सुनवाई योग्य है, इसमें कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा किया गया, बाद में दिए गए कथनों को अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कार्यवाही का हिस्सा पढ़ते हुए कहा, हमें लगता है कि वर्तमान मुकदमा एक कानूनी मुद्दा उठा रहा है कि क्या सामान्य सहमति वापस लेने के बाद सीबीआई एफआईआर दर्ज करना और डीएसपीई एक्ट की धारा 6 का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच करना जारी रख सकती है। खंडपीठ ने कहा कि मुकदमा आगे बढ़ेगा और इसके वर्तमान निष्कर्ष केवल सुनवाई योग्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से हैं। मुकदमे पर अंतिम रूप से निर्णय लेने पर इसका कोई असर नहीं होगा। मामले को मुद्दों के निर्धारण के लिए 13 अगस्त को अगली बार पोस्ट किया जाएगा। अपने मुकदमे में राज्य ने तर्क दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत केंद्रीय एजेंसी के लिए अपनी सहमति रद्द करने के बावजूद सीबीआई ने राज्य के भीतर हुए अपराधों के संबंध में एफआईआर दर्ज करना जारी रखा। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर और टूर ऑपरेटर द्वारा दायर रिट याचिकाओं के समूह का निपटारा किया है। इस याचिका में ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहन परमिट नियम 2023 का उल्लंघन करते हुए प्राधिकरण शुल्क सीमा कर लगाने में विभिन्न राज्य सरकारों की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने मामले पर गुण दोष के आधार पर विचार करने से इनकार किया और याचिकाकर्ताओं को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिकाओं का निपटारा किया। ये याचिकाएं शुरू में तब दायर की गई जब तमिलनाडु राज्य ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों पर सीमा कर या प्राधिकरण शुल्क लगाना शुरू किया। बाद में कुछ अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया। राज्यों ने तर्क दिया कि वो संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 की प्रविष्टि 56 और 57 के अनुसार ऐसे शुल्क लगाने और वसूलने के लिए सक्षम हैं। ये प्रविष्टियां सड़क या जलमार्गों पर ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर करों और सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त वाहनों पर करों के संबंध में राज्यों की शक्ति से संबंधित हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ऑल इंडिया पर्यटक वाहन परमिट नियम 2023 राज्य की सीमाओं के पार वाहनों के सुचारू और निर्बाध परिवहन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए थे। इसके अलावा इन नियमों के तहत केंद्र सरकार द्वारा अर्जित राजस्व को आनुपातिक रूप से राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संबंधित राज्य नियमों को चुनौती नहीं दी जाती है तब तक राज्यों की कार्रवाई को कानून की दृष्टि से गलत नहीं कहा जा सकता। इसने आगे कहा कि पहले हाईकोर्ट से संपर्क किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण दोष पर विचार नहीं किया।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें तमिलनाडु राज्य को अखिल भारतीय परमिट वाली पर्यटन बसों के आवागमन में बाधा न डालने का निर्देश दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विशेष जांच दल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में एक महिला के कथित अपहरण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के खिलाफ कथित यौन अपराधों के मामले का सामना कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने हालांकि शुरुआत में कर्नाटक एसआईटी की याचिका पर आपत्ति जताई, लेकिन अंततः आरोपी को नोटिस जारी करने पर सहमत हो गए हैं। कर्नाटक एसआईटी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि भवानी रेवन्ना को दी गई राहत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर जस्टिस कांत ने कहा, हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कारणों को देखें, आरोपी महिला है जिसकी उम्र 55 वर्ष है, उसके बेटे पर जघन्य कृत्यों में संलिप्त होने के गंभीर आरोप हैं, वो भाग गया और अंततः पकड़ा गया। इस तरह के आरोपों के मामले में अपने बेटे द्वारा किए गए अपराध को बढ़ावा देने में मां की क्या भूमिका होगी। सिब्बल ने कहा कि ऐसे बयान हैं जो संकेत देते हैं कि पीड़िता का वास्तव में अपहरण किया गया था। हालांकि खंडपीठ ने राज्य से पूछताछ जारी रखी और पूछा कि उसके खिलाफ क्या सबूत हैं। जस्टिस ने एक बिंदु पर टिप्पणी की कि उसके खिलाफ कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था। खंडपीठ ने यह भी आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या प्रतिवादी मां होने के नाते अपने बेटे द्वारा कथित रूप से किए गए यौन अपराधों में शामिल हो सकती है। खंडपीठ को मनाने के लिए सिब्बल ने जोर देकर कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में उसे बंधक बनाने में भवानी की भूमिका का उल्लेख किया गया। पीठ ने कहा, खंडपीठ केवल गिरफ्तारी से उसे दी गई सुरक्षा के बारे में सीमित बिंदु पर विचार कर रही है। यदि वो दोषी है तो अंततः यह मुकदमे में साबित हो जाएगा। इसके बाद खंडपीठ ने नोटिस जारी करने पर सहमति जताई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 तक प्रत्येक जिले में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां या एसएए की नियुक्ति करने में कई राज्यों द्वारा गैर अनुपालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को 30 अगस्त 2024 तक पहले के आदेश का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जा सकती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ देश में दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे द टेंपल ऑफ हीलिंग नामक एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दायर किया गया। न्यायालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुपालन रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि देश के 760 जिलों में से केवल 390 जिलों में ही कार्यात्मक एसएए है। इससे 370 जिले ऐसे एजेंसियों के बिना रह गए हैं, जिससे उन क्षेत्रों में गोद लेने की प्रक्रिया में बाधा आ रही है। न्यायालय ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि 20 नवंबर 2023 के अपने आदेश के अनुरूप एसएसए को विधिवत नियुक्त करने के लिए मार्च 2024 में अपने पिछले आदेश के 5 महीने बीत जाने के बाद भी पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ। नवंबर 2023 के आदेश के अनुसार न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 31 जनवरी 2024 तक एसएए स्थापित करेंगे। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम
1956 के तहत गोद लेने की प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश भी मांगे। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना मुश्किल होगा क्योंकि वैध गोद लेने की शर्तें निर्धारित हैं। एक बार कानून बहुत स्पष्ट हो जाने के बाद न्यायालय के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी और अपीलकर्ता की सजा बरकरार रखते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो एक चाकू से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील पर फैसला कर रही थी जिसे शराब विरोधी आंदोलन के सदस्य की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित और अन्य सदस्यों ने लोगों को शराब पीना छोड़ने के लिए राजी किया। हालांकि कुछ विवाद के कारण और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अपीलकर्ता और अन्य सह आरोपी घटनास्थल पर पहुंचे जहां पीड़ित भी मौजूद था। इसके बाद उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और खंजर से उस पर वार कर दिया। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी ठहराया। हाईकोर्ट द्वारा इसे बरकरार रखे जाने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के अलावा अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हालांकि न्यायालय ने ऐसी विसंगतियों को ध्यान में रखने से इनकार कर दिया। इसने तर्क दिया कि हमले के दौरान लगभग 15 लोग थे जो गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे। इसके आधार पर न्यायालय ने स्वीकार किया कि गवाहों से घटनाओं की सटीक याद रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने माना कि गवाही में मामूली विसंगतियों से इसकी विश्वसनीयता कम नहीं होगी। मकसद पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों का उद्देश्य पीड़ित की आवाज को दबाना था। इससे संकेत लेते हुए न्यायालय ने आगे कहा कि एक अकेले गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य भी दोष सिद्धि का आधार बन सकता है। इन सभी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि न केवल इरादा बल्कि मौत का कारण बनने वाली घातक चोट भी साबित हुई। न्यायालय ने जमानत का आदेश रद्द करने और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी डॉक्टर के खिलाफ निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि आरोपी द्वारा मेडिकल लापरवाही का संकेत देने वाले किसी अन्य डॉक्टर की विश्वसनीय राय द्वारा समर्थित प्रथम दृष्टया सबूत न हो। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि शिकायतकर्ता ने आरोपी डॉक्टर की ओर से लापरवाही के आरोप का समर्थन करने के लिए किसी अन्य डॉक्टर द्वारा दी गई विश्वसनीय राय के रूप में प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ये फैसला तब आया जब न्यायालय आरोपी डॉक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत अपराध के लिए संज्ञान लेने के आदेश सहित आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर विचार कर रहा था। मृतक महिला के छोटे बेटे शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी डॉक्टरों द्वारा गंभीर मेडिकल लापरवाही के कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई। 2011 में मृत महिला को कमजोरी और संक्रमण के लिए CCU में भर्ती कराया गया। याचिकाकर्ता ने कुछ दवाएं निर्धारित की और उसके उच्च रक्त शर्करा के कारण इंसुलिन देने का सुझाव दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने सीमित देखभाल और सहायता प्रदान की, मुख्य रूप से ऐसी दवाएं निर्धारित की जिन्हें संबंध दुकान से खरीदना पड़ा। इसके अतिरिक्त अस्पताल ने मरीज की मृत्यु के बाद भी कुछ शुल्क लिया और शिकायतकर्ता को मृत्यु के सही कारण के बारे में पता नहीं था। न्यायालय ने जैकब मैथ्यू बनाम
पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसने आपराधिक लापरवाही या मेडिकल लापरवाही के आरोपी डॉक्टरों पर मुकदमा चलाने के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए। नतीजतन न्यायालय ने याचिका स्वीकार की और याचिकाकर्ता डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खारिज कर दी। उधर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर को खोलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह पंजाब और हरियाणा और दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए जीवन रेखा है। इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है। जस्टिस जी एस संधाबालिया और जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने किसानों के विरोध जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, राज्य को जाग जाना चाहिए, सीमा को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए। इससे दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कानून और व्यवस्था बनी रहे और राजमार्ग और उसके मूल गौरव पर बहाल किया जाए। फरवरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया था, जिसके बाद पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल ने तर्क दिया कि 400 से 450 प्रदर्शनकारी अभी भी पंजाब की तरफ हाईवे पर बैठे हैं, वो अंबाला में प्रवेश कर एसपी कार्यालय का घेराव कर सकते हैं। इस पर जस्टिस संधावालिया ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, वर्दीधारी लोग उनसे डर नहीं सकते, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, उन्हें घेराव करने दें। न्यायालय ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा निवारक उपायों के कारण राजमार्ग बंद किया गया है और तब से 5 से 6 महीने बीत चुके हैं। ये देखते हुए कि अब प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या घटकर 400 से 500 रह गई है, न्यायालय ने कहा कि पहले उसने कोई भी आदेश पारित करने से रोक दिया क्योंकि सभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। हालांकि अब स्थिति बदल गई है। न्यायालय ने किसान यूनियन को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि वो कानून का पालन करें। और उधर ओडिशा में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनकी नाबालिग बेटों की हत्या का मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा दारा सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दारा सिंह की याचिका पर ओडिशा सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। दारा सिंह के वकील विष्णु जैन ने कहा कि वह 24 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बिता चुका है, वो उड़ीसा राज्य में सजा की माफी का नियम 25 साल है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका पर विचार करे। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आजीवन कारावास में छूट कब दी जा सकती है। कोर्ट लाइफ सेंटेंस पर रिमिशन कब ग्रांट कर सकता है? ये क्वेश्चन रिसेंटली फिर उठा जब दारा सिंह, एक मर्डर कॉन्विक्ट, ने सुप्रीम कोर्ट में प्रीमैच्योर रिलीज का रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि वो ऑलरेडी 60 साल की उम्र के ऊपर है और 24 साल से जेल में है। रिमिशन का मेन ऑब्जेक्ट है कि कुछ एस्पेक्ट्स को कंसिडरेशन में लिया जाए जो प्रोसीडिंग्स के टाइम आगे ना आए हो, और एग्जीक्यूटिव कॉन्विक्ट को मर्सी दिखा सकता है अलग अलग तरीकों से, जैसे रिमिशन, सस्पेंशन और कॉमिटेशन। रेमिशन में सेंटेंस का ड्यूरेशन कम कर दिया जाता है उसके नेचर को बिना चेंज करते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 और 161 और चैप्टर 32 सीआरपीसी के प्रोवाइड करते हैं प्रोविजंस कॉन्विक्ट्स के सेंटेंसेस की सस्पेंशन, रेमिशन और कॉमिटेशन के लिए। कोर्ट्स ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह एंड अदर्स में होल्ड किया कि रेमिशन किसी कॉन्विक्ट का फंडामेंटल राइट नहीं है, पर स्टेट को ये पावर एक्सरसाइज करते हुए हर केस को इंडिविजुअली कंसिडर करना चाहिए और सारे रेलेवेंट फैक्टर्स को अकाउंट में लेना चाहिए। कोर्ट के अनुसार एक कॉन्विक्ट की राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर रेमिशन लॉफुल है इन लाइट ऑफ फंडामेंटल प्रोटेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 और 21 के अंदर।
कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।